विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से ओबीसी वर्ग को भी बड़ी सौगात दी गई। ग्रुप ए और ग्रुप बी की सरकारी नौकरी में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की घोषणा की गई, तो वहीं क्रीमी लेयर की सालाना इनकम सीमा भी 6 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख कर दी गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के सत्ताधारी दल बीजेपी ने 2 कार्ड खेले हैं। पहला, ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो दूसरा, सीएम नायब सैनी के फेस पर चुनाव। प्रदेश की सबसे बड़ी वोटर्स आबादी को लुभाने के लिए बीजेपी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की सरकारी नौकरी में आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। ओबीसी को सीएम नायब सैनी की सौगात, सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण, ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरी में 27% आरक्षण। सरकारी नौकरी में आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27%। क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख। विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग होगा खत्म। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार के बाद गैर जाट राजनीति करने वाली बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, और इसीलिए पार्टी ने ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। साथ ही ओबीसी बैकलॉग विशेष अभियान के तहत फिल करने का वादा भी कर दिया है। सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस इनकम में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। बीजेपी का ओबीसी गिफ्ट कार्ड विधानसभा चुनाव में कितना काम करता है, क्या हरियाणा में हैट्रिक लगाने में सफल होती है या फिर नतीजा कुछ और होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।